राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल बच्चों। बच्चों का मैंने कमेंट देखा था कि एग्जाम आ रहे हैं, बहुत परेशान है। बच्चों एक शेर आपके लिए, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या खा गिरे जो घुटनों के बल चले। मतलब यार गिरेगा वही ना जो लाने जाएगा। एक बच्चा जो ऑलरेडी घुटनों के बल चल रहा है वो क्या गिरेगा, जीतता वही है जो हारने का रिस्क भी लेता है। बच्चों और एक रिजल्ट आपकी करियर डिसाइड नहीं कर सकती है, आपको मेहनत करना है, सीखना है, बस सीखना है, बिना रिजल्ट की परवाह किए हुए मेहनत करें बस प्यारे बच्चों। बाकी मोटिवेशन के लिए एक वीडियो अलग से आपको बनाएंगे, आपके लिए बनाएंगे हम। खैर हमारा जो टॉपिक था बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे इकोलॉजी का एक टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर 12 में, उसका है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। बच्चों इसमें हमने अभी हम और भी कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि आप लोगों के लिए बेहतरीन कलर डायग्राम लाएं, अभी शुरुआत है, अब हमारा साथ दें, ये सब आहिस्ता आहिस्ता हम करते जाएंगे। खैर पॉपुलेशन इंटरेक्शन दो तरह की होती है, एक होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है बच्चों पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें दो चीज आ जाती है, म्यूचुअलिज्म आपके जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है, और कमेंसलिज्म, ये दोनों हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप लास्ट वीडियो में देख भी सकते हैं इन दोनों को, इन दोनों टाइप की इंटरेक्शन को। नेगेटिव में भी हम लोग पैरासाइटिज्म पढ़ चुके हैं, पैरासाइटिज्म। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि दोनों का ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक को नुकसान हो या दोनों को ही नुकसान हो, ऐसे इंटरेक्शन को नेगेटिव इंटरेक्शन कहते हैं बच्चे। और पॉजिटिव इंटरेक्शन किसे कहते हैं, जिसमें एक को फायदा हो या दूसरे को, दोनों को फायदा हो या एक को फायदा हो, कम से कम दूसरे को नुकसान ना हो। तो नेगेटिव में हम लोग पैरासाइटिज्म पढ़ चुके हैं, और आज हम नेगेटिव में पढ़ेंगे दूसरा जो बच्चे वो होगा प्रीडेशन। तो आज का अपना टॉपिक है बच्चों प्रीडेशन, तैयार हो जाइए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीडेशन, क्लियर। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है बच्चे, ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया, लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं, और ये भी पढ़ लिया नेगेटिव में, आज हम ये पढ़ेंगे ये टुडे, ठीक है। तो लेसन स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, बिना देरी के हुए शुरू करते हैं बच्चों। ओके, तो हम बात करते हैं प्रीडेशन की। प्रीडेशन, व्हाट इज प्रीडेशन, हिंदी में सुना तो ही होगा आप लोगों ने, शिकार और शिकारी। तो जो शिकार और शिकारी का इंटरेक्शन है ना, दैट इज कॉल्ड प्रीडेशन, आम भाषा में एकदम, शिकार और शिकारी। भाई इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, इट्स द काइंड ऑफ नेगेटिव इंटरेक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्गर एनिमल फीड्स अपॉन अ वीकर एनिमल या प्रे अपॉन वीकर एनिमल। स्ट्रॉन्गर एनिमल, स्ट्रॉन्गर एनिमल प्रे ऑन और फीड ऑन वीकर ऑर्गेनिज्म, वीकर ऑर्गेनिज्म। सच काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड बच्चों प्रीडेशन। इस तरह के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रीडेशन कहते हैं, जिसमें कि स्ट्रॉन्गर वीकर पे फीड करता हो। अब सवाल ये पैदा होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी डिस्कवरी देख रहे होंगे तो खासकर मम्मी लोग, ओ उसे वो यार उस हिरन को खा रही है, ओ कैसे बच जाएगी, ना ये नेचर है बच्चे, और ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। वो शेर को, उस टाइगर को, उस डियर पे, वो जो लायन है या टाइगर है उसको उस डियर पे खाना पड़ेगा, ये नेचर का रूल है, जरूरी है ये। अब जो टाइगर फीड कर रहा है किस पे, डियर पे मान लो फीड कर रहा है बच्चों, तो ये प्रीडेशन का एग्जांपल है, और जिसमें ये क्या है, प्रीडेटर स्ट्रॉन्गर है, और ये किस पे फीड कर रहा है, प्रे पे, ये प्रे है डियर। और बच्चों ये चलना है नेचर में, अगर नहीं चलेगा ना तो डियर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि बाद में ये खुद कंपटीशन करके अपने में इनकी फूड की कमी हो जाएगी और ये खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको बता दूं एक बेहतरीन एग्जांपल, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये जरूरी इसलिए कम्युनिटी में इकोसिस्टम में बैलेंस रखने के लिए प्रीडेशन, प्रीडेटर और प्रे का होना जरूरी है,
बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। अब आप एक बात सुनिए, आपने सुना होगा कि बच्चे आगे की तरफ, अगर हम बात करें तो इसके बेहतरीन एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, स्टार फिश पाइसेस्टर, आपने नाम सुना होगा, एनसीईआरटी में भी गिवन है बच्चा, हमारा टॉपिक है प्रीडेशन। अब इसका एक बेहतरीन एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आपने, आप प्रेडेटर से बड़े नाराज हो तो यार शेर ने किसी हिरन को, टाइगर ने किसी हिरन को मार दिया, ओहो नो। अब आप एक एग्जांपल सुनिए, प्रिकली पियर केक्टस को 1920 में, केक्टस को 1920 में प्रिकली पियर केक्टस को 1920 में ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों क्या देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया में कोई इसका प्रीडेटर नहीं था, स्केक्टस का पूरी एकदम फील्ड में फैलते जा रहा था, अंत में मजबूर होकर प्रीडेटर को लाना पड़ा ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। अब किसी भी चीज के प्रीडेटर को हटा दो, फिर इतने फैल जाएंगे कि वो मुश्किल हो जाएगा, फिर कम्युनिटी इकोसिस्टम अपने आप क्रश कर जाएगा। इसलिए जरूरी है प्रेडेशन और प्रे का इंटरेक्शन। अब आपको एक एग्जांपल तो देख लिया, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अब एक बात और कि अगर प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉयटेशन करता है तो व्हाट विल हैपन, प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी तो कर सकता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब बहुत ज्यादा मजे मजे में प्रे को मार सकता है, ये व्हाट विल हैपन, ऐसे तो प्रे खत्म ही हो जाएगा। तो वहां भी बैलेंस करने की सिस्टम है। कई ऑर्गेनिज्म में अपने आप को बचाने के लिए कई एडेप्टेशन है, कई चेंजेस है ताकि प्रेडेटर मजे मजे में ना मार सके प्रे को, या ऐसे तो प्रे भी खत्म हो जाएंगे पूरे के पूरे, ऐसे प्रे भी खत्म हो जाएंगे पूरे के पूरे। अब आप एक एग्जांपल और देख लीजिए, आपको भी बता दे रहे हैं इसी में, ये पहले ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले एक और उससे पहले एग्जांपल देख ले रहे हैं कि अगर आप प्रेडेटर को हटा देते तो क्या होता है, उसके बाद इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो लेट अस सी, हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टार फिश पाइसेस्टर को भी एक बार इंट्रोड्यूस, हटा दिया गया, ये प्रेडेटर था कम्युनिटी में, ये प्रेडेटर था, इनवर्टिब्रेट पे फीड करता था, प्रेडेटर था, इसको हटा दिया गया एक्सपेरिमेंटली, और क्या देखा गया कि उस इलाके से 10 इनवर्टिब्रेट कंपटीशन कर गया, आपस में खत्म हो गए क्योंकि प्रीडेटर नहीं था, इनकी इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई कि आपस में कंपटीशन करके खत्म हो गए। मतलब ये कि प्रीडेटर का होना बहुत जरूरी है किसी भी इकोसिस्टम में चीजों को मैनेज करने के लिए। दो एग्जांपल दिया, पहला कैक्टस का दिया कि वहां भी प्रीडेटर का होना जरूरी होना, वो बहुत ज्यादा ग्रो होते जा रहा था, और दूसरा स्टार पाइसेस्टर का दिया, अगर इसको हटा दिया गया प्रीडेटर को तो जो इनवर्टिब्रेट थे, जो प्रे थे, वो कंपटीशन करे, खुद ही में कंपटीशन करे, 10 इनवर्टिब्रेट खत्म हो गए, यानी प्रेडेटर का होना जरूरी है इकोसिस्टम को अच्छी तरह चलाने के लिए। अब तो भाई प्रेडेटर का होना जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि प्रेडेटर मजे मजे में मारता रहे प्रे को, ऐसे तो प्रे खत्म भी हो सकती है। सो नेचर में प्रे ने अपने आप को एडेप्टेशन किया, प्रे भी क्या किए, ये एडेप्टेशन, कैसा एडेप्टेशन किए बच्चे, अपने आप को बचाने के लिए प्रेडेटर से क्या एडेप्टेशन किए, नंबर वन, कई ऐसे फ्रॉग के स्पीसीज है जो कैमोफ्लेज करते हैं, अपनी कलर बदल लेते हैं, कैमोफ्लेज, अपना कलर बदल लेते हैं ताकि प्रेडेटर आसानी से उसे मार ना सके। एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप देखिए ये तो एनिमल की है और एनसीईआरटी के एग्जांपल पढ़ेंगे ये क्या क्या एडेप्टेशन करते हैं पर ये बचने के लिए प्रेडेटर से। एक तो मैंने बताया कैमोफ्लेज करते हैं, कई सारे फ्रॉग हैं जो अपने कलर को बदलते हैं, चेंजेस लाते हैं अपनी बॉडी में बचने के लिए। एक एग्जांपल दे रहे हैं, बढ़िया, आपने देखा होगा, एक कॉमन एग्जांपल है यार, जब कभी ऐसा हुआ कि कभी बिल्ली कुत्ता किसी बिल्ली को दौड़ा रही है, पता है जब बिल्ली को लगता है कि मैं कहीं नहीं भाग पाऊंगी तो घूम के देखती है एकदम ऐसे, तो कुत्ता रुक जाता है वहीं पे, समझ गए, कुत्ता वहीं पे रुक गया, क्या ये एडेप्टेशन है अपने प्रीडेटर से बचने का। यार एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत लाइव एग्जांपल है, उन दिनों की बात है,
जब मैं जामिया मिल्लिया से बीएड कर रहा था तो मैं अक्सर बच्चों को पढ़ने वाले बच्चों पे बीएड नहीं एमएड कर रहा था मैं, तो एमएड करते वक्त मैं अक्सर स्टडी करता था, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता था, जो पढ़ता था उसको अप्लाई करता था। मैं गली में खड़ा था, क्या देखा कि एक लड़का एक लड़की को रोज परेशान करता था। एक दिन की बात है, मैं अक्सर 4 बजे के वक्त बाहर खड़ा रहता था तो ये देखता था। एक दिन की बात है कि उस लड़के ने उस बच्ची का हाथ पकड़ लिया, उस लड़की ने इस तरह देखा कि बाय गॉड पैंट गिरी हो गई लड़के की, व्हाट इज दिस। उस लड़की में एडप्टेशन था किसी को डरा देने की, ऐसी नजरों से उसने देखा, हिम्मत नहीं हुई दोबारा, फिर वो बच्ची जाती रही पढ़ने, कहीं और जाती थी वो पढ़ने, तो किसी दिन फिर कोई नजर नहीं आया। मैंने एकदम लाइफ एग्जाम्पल कभी कभी सोचा कि होती है कोमोफ्रेज यार, कभी कभी आप किसी को गौर से गुस्से में देख लो, हिम्मत नहीं होती उसको हिलने की, ये सब क्या है, एडप्टेशन ही तो है। तो एडप्टेशन ये भी करते हैं अपने दुश्मनों से, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, दुश्मन वर्ड तो अच्छा नहीं होगा साइंटिफिकली। खैर, आपने ये तो देख लिया फ्रॉग का कोमोफ्लेज। दूसरा नंबर देखिए भाई, कोमोफ्लेज सॉरी दूसरा एग्जाम्पल है प्री एडेप्टेशन में, ये भी आ सकता है प्री एडेप्टेशन में, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बोर्ड में कई बार पूछा है और इवन नीट में भी, मोनार्क बटरफ्लाई। बच्चों मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई जानते हैं आप लोग, मोनार्क बटरफ्लाई, इसके प्रेडेटर इसको छोड़ते नहीं थे। इसने क्या किया, अपने अंदर डिस्टेस्टफुल बना लिया अपने आप को, केमिकल चेंजेस कर लिया, केमिकल एडेप्टेशन कर लिया, केमिकल एडेप्टेशन, केमिकल एडेप्टेशन, और क्या हो गई ये बच्चे डिस्टेस्टफुल। अब डिस्टेस्टफुल, अब जो भी बर्ड्स इसको, कोई बर्ड्स इसको नहीं खाता है क्योंकि खराब लगता है उसको, बर्ड इसको खाती नहीं है, डिस्टेस्टफुल। ऐसे ही आपको मैं एक बात और बता दूं कि फिर अगेन एडेप्टेशन, तीसरा एडेप्टेशन, एडेप्टेशन ऑफ प्रे। आप देखिए बच्चों, पौधे भी तो हैं, तो पौधे को भी तो केडल खाने लगेंगे, तो पौधों में जो कांटे नहीं होते, फूलों में कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, जैसे कैक्टस में थॉर्न होता है, और भी बहुत सारी चीजों में अकासिया में कांटे जो होते हैं बच्चे, ये जो स्पाइन होते हैं, हालांकि कई जगहों पे तो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए भी यूज किए जाते हैं, लेकिन एडेप्टेशन भी है, ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है, अपने डिफेंस सिस्टम के लिए भी है, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। नहीं कहते ये कांटों को हकारत की नजर से ना देखो, ये भी किसी फूल के साय में पले हैं, फूल के साय में कांटे नहीं पलते, कांटे के साय में फूल पलते हैं भाई, वो डिफेंस के लिए होता है, तो कांटा डिफेंस करता है। यही नहीं, एक पौधा है क्लिप्टोरिस, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है क्लिप्टोरिस, ये काटी एक पॉइजनस सबस्टांस बनाता है, पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। बच्चों कोई भी केटल इसको नहीं छूती है, हिम्मत नहीं है केटल इसके आसपास नजर आ जाए, क्योंकि इतनी पॉइजनस चीज होती है कि कोई भी केटल इसको खाना छोड़ दे तो ये प्रे तो ही है, अपने बचने के लिए तो किया है, वरना तो सब मजाक मजाक में इसे खा लेंगे। यही नहीं, बहुत सारे एडेप्टेशन पौधों में है जो अपने आप को डिफेंस करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए केमिकली चेंजेस कर लेते हैं कि हम नहीं। अब एक बात सुनिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आउट ऑफ द बॉक्स है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नहीं है, तो बेकोस सुने होंगे, बिहार के लोग तो जबरदस्त, एक्चुअली हम भी वहीं से बिलोंग करते हैं, वहां का बच्चा ही सिविल सर्विस के लिए जाता है तो शुरू हो जाता है। तो टोबैको क्या है, कभी टोबैको मैंने खाया नहीं है, लेकिन अगर आप कभी खाएं तो वोमिटिंग हो जाएगी फर्स्ट टाइम में, इतनी डिस्टेस्टफुल होती है, केमिकल पोल्यूशन है, जानवर नहीं खाते उसे, इंसान तो नर्वस सिस्टम के लिए लेने लगा, वो एडिक्ट हो गया उसका, लेकिन वो भी एडेप्टेशन किया है अपने आप को डिफेंस करने के लिए प्रेडेटर से। तो ये प्रेडेटर और प्रे का इंटरेक्शन है, और याद रहे ये एनर्जी ट्रांसफर करती है, जैसे एक टाइगर डियर को खाया तो भाई देखिए
ग्रास है तो ग्रास को डियर दिखाया ना भाई, तो डियर भी तो हुआ प्रीडेटर ग्रास के लिए, ये तो प्रे हुआ और ये क्या हुआ प्रीडेटर। तो ऐसा नहीं कि प्रीडेटर हमेशा प्रीडेटर ही होता है, सुने है ना, शिकारी खुद यहां शिकारी बन गया, शिकारी खुद यहां शिकार बन गया, मैं गलत बोला, शिकारी खुद यहां शिकार बन गया। ये देखो टाइगर क्या है, डियर क्या है, शिकारी किसके लिए, ग्रास के लिए प्रीडेटर है, लेकिन शिकारी खुद किसके लिए शिकार बन गया, टाइगर के लिए, तो शिकारी खुद यहां शिकार बन गया। तो कई बार प्रीडेटर क्या होता है, खुद प्रे बन जाता है, यह भी ख्याल रखना है आपको। देखिए ग्रास प्रे है तो इसका प्रीडेटर हो गया डियर, ये प्रीडेटर हो गया, और ये प्रीडेटर खुद भी किसका प्रे हो गया, टाइगर का। तो इस तरह कई बार शिकारी भी शिकार बन जाता है बच्चे, समझ गए। तो ये सिस्टम है, और इस तरह इस नेचर में बहुत ढेरों एग्जांपल है, पर मैंने सिर्फ उस एग्जांपल का जिक्र किया है जो नीट में आता है, जो बोर्ड में आता है, जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो प्रेडेटर और प्रे के बीच में है, और इकोसिस्टम को चलाने के लिए ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। हालांकि देखने में थोड़ा और सा जरूर लगता है कि वो एक टाइगर किसी हिरन को मार रहा है, लेकिन इट्स नीड्स, मतलब ये समझ लीजिए कि इकोसिस्टम की नीड है ये, इट शुड बी। हाउएवर जो प्रे होते हैं उनको भी अपने बचने और अपने डिफेंस सिस्टम के लिए एडेप्टेशन होता है कि मजे मजे में कोई ना मार दे, अगर क्या टाइगर आसानी से मार लेता है डियर को, नो, बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं। नेचर यह एक सीख भी देती है बच्चों कि आप स्ट्रगल करो, दोनों ही तरफ से स्ट्रगल होता है, प्रेडेटर भी करता है प्रे भी करता है। ठीक है बेटा, तो अब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार स्पीड में मैं रिकैप कर दूं आपका पूरा का पूरा प्रेडेशन का। प्रेडेशन और प्रे क्या होता है, प्रेडेशन क्या होता है, प्रेडेशन एक इंटरेक्शन होता है प्रे और प्रेडेटर के बीच में, प्रेडेटर स्ट्रांग होता है, प्रे वीक होता है, प्रेडेटर प्रे को मारता है। देखो बच्चों ये इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है, अगर कभी प्रेडेटर प्रे को ना मारे, सिर्फ प्रे ही रह जाए तो बहुत ज्यादा फैल जाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है केक्टस का, ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1920 में, और 1920 में इंट्रोड्यूस करने के बाद पूरा का पूरा बिना प्रे का केक्टस फैलने लगा था, बाद में प्रे को लाना पड़ा था। यही नहीं, स्टारफिश बाइसेस्टर जो है उसको भी जब हटा दिया गया था प्रेडेटर को, तो इनवर्टिब्रेट की 10 स्पीशीज खत्म हो गई थी अपने में कंपटीशन करके। उसके बाद अब ऐसा ही नहीं है कि प्रेडेटर हमेशा प्रे को मारता है, भाई प्रे भी तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, अगर कोशिश नहीं करेगा तो मजे मजे में मारते रहेंगे यार। तो इसीलिए प्रे जो है वो भी करता है, जैसे कैमोफ्लेज करते हैं, मिमिक्रेसी करते हैं, या फिर आप यूं समझ लीजिए कि अरे मिमिक्रेसी तो बंदर में भी देखने को मिलता है भाई। कई बार जो ये आते हैं छतों पे वो नहीं डराते, आप उठाइए डंडा देखिए वो आपको हड़काएंगे, क्या है वो जानते हैं कि हम जीत नहीं पाएंगे, फिर भी बचने की कोशिश करते हैं ना। तो इस तरह प्रे भी अपने अंदर एडेप्टेशन लाते हैं, जैसे एक एडेप्टेशन मैंने बताया कि स्पाइन थॉर्न का आ जाना, कांटे का आ जाना, दूसरा एडेप्टेशन हमने बताया आपको कि मोनार्क बटरफ्लाई डिस्ट्रेसफुल हो जाना, तीसरा बताया केलोट्रोपिस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पॉइजनस बनाता है, चौथा बताया कि केमिकल चेंजेस भी करते हैं पौधे अपने आप में ताकि उनका प्रेडेटर आसानी से ना खा पाए, और इस तरह ये सिलसिला चलते रहता है और इकोसिस्टम का बैलेंस बनते रहता है। बच्चों अगली वीडियो हम लेके आएंगे कंपटीशन का, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस चैप्टर के बाकी बचे हुए पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाते रहेंगे। आप लोग बने रहिए, और एक गुड न्यूज और भी सुना देता हूं कि अब हमारे यहाँ हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे कलीग हैं, मैं खुद न्यूरोलॉजिस्ट हूं, और हमारे जो कलीग हैं भूषण चंद्र भूषण सर हैं, हमारे बिट्टू सर हैं, हमारे कुशल सर हैं, ये सारे लोग अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये और भी बहुत सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और सी टेट का भी, हमें से कई लोग सी टेट क्वालिफाइड हैं। मैं खुद एमएड किया हूं, हालांकि डिजर्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाई थी, एमएससी एमएड, तो हम लोग उसका सी टेट की भी लिए वीडियो बना रहे हैं, और आप लोग प्यार दें, हम बेहतरीन तरीके से नीट की पूरी एक क्वेश्चन हमारे पढ़ाए में से नीट में आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, जय हिंद जय भारत, बाय।